कैंपर, कैंपर हमारे हॉबीज में बहुत ज्यादा मारात्मक रोगों के लिए ख्याति प्राप्त है। जैसे कारोबेज इज ऑल्सो वन ऑफ द मेडिसिन, बट कैंपर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेडिसिन टू सेव द लाइफ। कैंपर फैमिली का है, कैंपर सभी जानते हैं, सबके घरों में यूज होता है, पूजा में यूज होता है, सब में आता है। जनरली कैंपर को बहुत लोग यूज करते हैं मच्छर भगाने के लिए, और कैंपर जनरली उस समय यूज किया जा रहा था कोविड के टाइम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिमूव करने के लिए। बहुत हैवी पावरफुल एंड सेंटर। उसका मेंटल स्टेट कैसा रहता है देखो, इसका हर चीज गौर करने के बाद है। व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर और चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, पर्सन मेंटली वीक एंड इरिटेबिलिटी। पेन बेटर वाइल थिंकिंग ऑफ इट, पेन बेटर वाइल थिंकिंग ऑफ इट, जब वो सोचता है उसका दर्द काफी अच्छा रहता है। फिजिकल जनरल, पर्सन फिजिकली वीक, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होता है। कैंपर पेशेंट शारीरिक रूप से कमजोर होता है, मन से भी कमजोर रहता है। एक्सेसिवली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ठंडी हवा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहता है, ठंडी हवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। सरफेस कोल्ड टू द टच, इट कैनॉट बी बियर टू बी कवर्ड थ्रू इफ ऑल द कवरिंग। सबसे पिक्यूलियर सिम्टम ये है कैंपर का, ठंडी हवा से परेशान तो होता है परंतु शरीर में कपड़ा लेना नहीं चाहता है, उड़ना नहीं चाहता है, वो फेंक देता है। ये ठंडी कैसी है देखो, उसके छूने से ठंडा रहेगा फिर भी ढकना सहन नहीं हो सकता, सारे आवरण को उतार फेंकता है, कपड़े को फेंक देगा। ये कैंपर का पिक्यूलियर सिम्टम है। फिजिकल सिम्टम्स, इंटायर बॉडी पेनफुली सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच, थोड़ा सा भी छूने से उसका पूरे बदन में दर्द, और अपने शरीर को छूने नहीं देगा, सेंसिटिव टू टच। फिजिकल जनरल, बेड इफेक्ट ऑफ शॉक फ्रॉम इंजुरी, चोट लग जाने से, एक्सीडेंट हो जाने से वो सॉफ्ट हो जाता है। सरफेस ऑफ बॉडी कोल्ड, फेस पेल, ब्लू टिप्स, लिविड, प्रोफाउंड पोस्टेशन, काफी मात्रा में ज्यादा कमजोरी, चेहरा पीला नीला, सिरों पर लाल। ग्रेट कोल्डनेस ऑफ द सर्फेस विद सडन एंड कंप्लीट पोस्टेशन ऑफ द वाइटल पोर्स, ऑफन ए रिमेडी इज कंजेस्टिव चिल, पेनिशियस इंटरमिटेंट, पल्स वीक, एक्सटर्नली स्मॉल, स्केसली एंड परसिविटेबल। उसका जो वाइटलिटी है अचानक झुक जाने से, झुकने से बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होना, नाड़ी कमजोर और छोटा छोटा चलना, स्मॉल स्पीड्स तक तक डिस्टेंस लेकर के। टंग कोल्ड, फ्लेबी एंड ट्रेम्बलिंग, जीभ निकालोगे और जीभ जैसे बाहर है ऐसे ऐसे कांपते रहेगा, जीभ ठंडा और जीभ निकालने से कांपते रहेगा, ये कैंपर का एक लक्षण है। कैंपर का गैस्ट्रिक पेशेंट कैसे होगा, सडन अटैक और वॉमिटिंग एंड डायरिया, नोज कोल्ड एंड पॉइंटेड, एनेक्सियस एंड रेस्टलेस स्किन एंड ब्रेथ एंड कोल्ड। जनरली हैजा में बहुत ज्यादा ये यूज किया गया था, जब वॉमिटिंग एंड डायरिया काफी जोर से मात्रा होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो उसके लिए काफी बेहतरीन दवाई है। स्किन, कैंपर का स्किन कैसा होता है,
ये मिजेस निकलते हैं जनरली, स्कारलेटिंस जब विस्फोट प्रकट नहीं होते, हल्के या ठंडे नीले हिपरकशी चेहरे के साथ बच्चे कवर नहीं करते, फेंक देते हैं। मिजेस एंड स्कारलेट फीवर व्हेन इरप्शन डज नॉट अपीयर, मैंने जो मिजल्स होते हैं, जब मिजल्स जब इरप्शन नहीं निकलते हैं, निकलने के पहले कैंपर इज द मेडिसिन। मिजल्स के सारे स्टेज में ये आप दे सकते हो। मोडलिटीज एवल्यूशन व्हेन थिंकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंप्लेंट वार्म एयर एंड ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, जब अपने बीमारी के बारे में सोचती है तो उसको रिलैक्स लगता है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। इसका रिलेशन है, कैंपर इज एंटीडोट नियरली टू एवरी वेजिटेबल मेडिसिन, जितने वेजिटेबल मेडिसिन हैं, जितने प्लांट किंगडम के मेडिसिन हैं, उसको वो एंटीडोट करता है। ऑल्सो टोबैको, फ्रूट्स कंटेनिंग पर्सुरिक एसिड, पॉइजनस मशरूम शुड नॉट बी अलाउड इन द सिक रूम इन इट्स क्रूड फॉर्म। कंपेयर कारोभेज, ओपियम, वेरेट्रम, सिकेलिकोर, not for thought, all our progress as a school depends on the right view of the symptoms obtained by probing with camphora and opium herring. Dr. Herring का कहना है। अब हम second chapter जा रहे हैं, camphora का patient को हम कैसे पहचानेंगे। Why does camphor shrink for the heads? Another rubric, delusion. Hell is indicates the real cause, which is yet be made a miracle and promotion to the founds. Persons on to whom she can depend and open her heart, she seeks aid to get out of hell because she on earth. Camphor का रोगी सहायता के लिए चिल्लाता है। Shrinking for heads. वो हमेशा डिल्यूजन में रहता है कि मैं नरक में पड़ा हूं, हेल, और हेल्प के लिए चिल्लाता है। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है, इज सर्चिंग टू ऐसे व्यक्ति को उसका बात कोई सुन सके, उसको कोई हेल्प कर सके। उसके भरोसा कर सके मैंने, दैट इज द रूब्रिक्स। आपको क्या मिलेगा? रूब्रिक्स डिल्यूजन हेल, मैं नरक में पड़ा हूं। ठीक है, सेकंड फ्रॉम द वे आई स्टॉक, वो इस तरह से बात करेगा, उसी इन सेमी कॉन्शियस, जैसे कि उसके बात करने में आधा बेहोश में, अर्ध बेहोशी की हालत में रहता है, उसे पूरी तरह से पता नहीं होता है कि वो क्या बात कर रही है, उसको मालूम नहीं पड़ता वो क्या बोल रही है, बोलते जा रही है। दैट इज रूब्रिक्स ट्रांस प्लेस ऑन द पियानो विद आई क्लोज्ड, आंख बंद करके वो बोले जा रहा है या पियानो बजाया जा रहा है, दैट इज रूब्रिक्स, आंख बंद करके बोले जा रही है। सी वाज ऑल्सो रिपीटिंग द सेम सेंटेंस ओवर एंड ओवर अगेन, एक ही बात को वो बार बार बोलेंगे। दैट इज द डिलीरियम रिपीट्स द सेम सेंटेंस, रूब्रिक्स हमारा डिलीरियम द रिपीट्स द सेम सेंटेंस। बड़े मजे की बात है कि एकदम गंवार है पेशेंट, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, ओनली नोज द हिंदी ओनली, लेकिन जब डिलीरियम होगा देन वो हिंदी भाषा छोड़ करके इंग्लिश बोलना चालू कर देगी। ऐसा बहुत से पेशेंट है, अरे तो कुछ नहीं जानती है लेकिन इंग्लिश कैसे बोलती है। शी केम फ्रॉम द हिंदी स्पीकिंग रीजन एंड ही वाज क्वाइट इलिटरेट, एट शी यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन इंग्लिश लाइक प्रॉब्लम ट्रबल लाइक दिस, लेकिन काफी वो एकदम अनपढ़ है, लेकिन जब भी हमेशा जब इंग्लिश में प्रॉब्लम ट्रबल ये सब बात करते जाएंगे। That is rubric speech foreign
टंगी ने। रूब्रिक्स क्या होगा कि स्पीच फॉर ए टंग इन ए। लेकिन शी गेव द इंप्रेशन दैट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स बट हैड एक्वायर्ड देम टू यूज इन हर कन्वर्सेशन। उसके शब्दों का अर्थ वो नहीं जानती है लेकिन वो बातचीत में वो उपयोग करती है। रूब्रिक स्ट्रेंस प्ले ऑन पियानो विद आईज क्लोज्ड राइट्स लेटर इन ए एक्वायर्ड लैंग्वेज। उसके बाद पेशेंट क्या बोलता है, शी सेड फ्रेंकली स्पीकिंग देयर आर टू रीजन फॉर माय कंसल्टिंग यू, वन इज दैट यू नो मी वेल एंड सेकेंडली आई हैव कंप्लीटेड फैक्ट इन यू एज ए होम्योपैथी। पेशेंट बोलेगा सच में मैं आपसे इसलिए इलाज कराना चाहते हैं कि आप मुझको जानते हैं, मैं आपको जानती हूं, और दूसरा एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के प्रति मेरा पूरा भरोसा है, इसलिए मैं आपसे इलाज कराना चाहती हूं। ऐसा अगर पेशेंट आता है देन थिंक द कैंपर। और रूब्रिक्स क्या होगा, क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स, क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स। सेकेंड, डॉक्टर साहब मैं नर्क में हूं, मैं हेल में हूं। डॉक्टर साहब आई मीन हेल, द डिल्यूजन हेल सी जीन रूब्रिक्स। डॉक्टर साहब प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरे को मदद करें। डॉक्टर साहब प्लीज हेल्प मी, श्रिंकिंग एट फोर। रूब्रिक्स क्या होगा, श्रिंकिंग एट फोर, ये कैंपर का ही है। I want to weep but the tears do not come and I can find no one to whom I can openly hurt. ये एक सबसे बड़ा, वो रोना चाहता है, रोती है without आंसू नहीं आएगा, without tear। ऐसा रोना सिर्फ कैंपर में है। मैं रोना चाहता हूं परंतु आंसू नहीं आते और मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता जिसके सामने मैं मन खोल के बात कर सकूं। And I can find no one to whom I can openly, heartily talk. समझ में आया, माथे में जा रहा है कि नहीं? ओके। पेशेंट वर्ड एंड रूब्रिक्स में दिस रूब्रिक्स ऑल्सो बी फाउंड इन एक्सप्रेशन इन द डिस्कशन अबाउट द एक्शन ऑफ द बीरिंग ऑफ द हर ब्रेस्ट ड्यूरिंग मैनिया आफ्टर चाइल्ड बर्थ। It may be kept in the mind that a woman would bear her breast only before the person in whom she has confidence. Her outlook while doing so is mostly like a mother in mania. Everyone seems to her to be a her child. अब ऐसा उसका पागलपन, मेनिया एक ऐसा रहता है, सामने वालों का हमेशा बच्चा समझती है और ब्रेस्ट पूरा ओपन कर देगी। जनरली ब्रेस्ट कोई कॉन्फिडेंस आदमी के सामने ही ओपन करता है, लेकिन ये पेशेंट सामने वाले को देख के इतना कॉन्फिडेंस में ले लेगी, वो उसको बच्चा समझती है, अपना ब्रेस्ट वगैरह निकाल देगी और हमेशा खींचेगा। दैट इज रूब्रिक्स नेक वांट्स टू बी अ बेयर हर ब्रेस्ट इन ए पर्पुलर मैनिया। ये रिपोर्टरी में दिस वर्ड इज देयर। The camper patient is likely to be choosy, looking for a physician who is not capable but quite trustworthy with whom intimate matters can be discussed without agitation, though refined on the otherwise. Camper का रोगी नचड़े होने के कारण ऐसा चिकित्सक की, ऐसा डॉक्टर की तलाश करता है जो केवल सक्षम ही नहीं हो बल्कि काफी भरोसेमंद वाला होना चाहिए, बहुत डिपेंडेबल, भरोसेमंद वाला होना चाहिए, जिसके साथ इंटरनल टॉक, मन की बात हम बिना हिचकिचाहट से बोल सके, चर्चा कर सके। दैट रूब्रिक्स इज टॉकिंग जेंटल वॉइस ऑल नाइट इन ही और ही सी मे बी सिंपल माइंडेड एंड क्रूड इन थिंकिंग। वो सरल स्वभाव वाले और कच्चे विचार वाले हो सकते हैं, थॉट्स क्रूड,
रूब्रिक्स होगा थॉट्स क्रूड। एंड फैनेटिकली ट्रस्टिंग, वो कट्टरता से माने भरोसा करता है। When asked by the physician what help she can expect of him, she replies, "You are the doctor and therefore the best judgment." Doctor अगर पूछता आपको क्या चाहिए, तो वो जवाब देगा कि आप डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आप पर मैं ट्रस्ट करती हूँ। While talking of the doctor, she may be pulled at the neck of her clothes, thus symbolically bearing breast, giving impression that she doesn't care to observe the decorum of the expected of her. She is manical. वो ऐसा पागल पर होते डॉक्टर का कलर खींच लेती है अपने ब्रेस्ट को ओपन के पास लाने के लिए, जस्ट लाइक उसको बच्चा समझ लेती है कि ट्रस्ट करेगा मेरा बात को, ट्रस्ट करेगा। वो अपने कपड़े को गलत से खींच लेती है, इस प्रकार के वो अपने स्तन को उजागर कर देती है, जिससे आभास हो जाता है उसको अपना मर्यादा, अपना सेक्स, अपना ये करने में कोई भी परवाह नहीं है उसको, थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं है। दैट इज क्लिंगिंग ग्रास्प ऑफ अदर्स, दूसरे को पकड़ लेना। ठीक है, इसका मेन व्हाट टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। यूनिवर्सल एंटीडोट टू होम्योपैथिक रेमेडीज, पेनफुल कोल्डनेस, आईसी कोल्ड, 8 hours टू कवर्स विथ इंटरनल बर्निंग, हीट एंड एंजाइटी, सडन वीकनेस, ड्राई कोलैप्स, स्कैंटी और रिटेंट डिस्चार्जेस। इन समरी, द कैंपर पेशेंट वांट्स टू एड फ्रॉम ए पर्सन हुम ही कैन थ्रोली ट्रस्ट एंड टू हुम ही सी कैन बेयर हिज और हर सौ। कैंपर का रोगी के ऐसे व्यक्ति से सहायता मांग चाहता है जो कि वह उस पर पूरा भरोसा कर सके, जिस पर वह अपनी आत्मा, अपना मन की बात वो बोल सके। समझ आया, बहुत इजी है। कैंपर पेशेंट हमेशा भरोसेमंद उसको आदमी चाहिए जो उसका मन की बात बोल सके। ठीक है।